भेजते हैं। हम हैं जन्म से ही ब्लाइंड हैं, हम बाद में जो बाद में होगा ना उसको कोई अनुभव नहीं। हमारा घर पड़ता है मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट धोली एग्रीकल्चर कृषि कॉलेज। भैया देख रहे हैं जो बता, अगर 152/34 दरभंगा कोलकाता एक्सप्रेस की बात करूं तो ये ट्रेन जो है हफ्ते में दो दिन, यानी दरभंगा से हफ्ते में दो दिन हर रविवार को और बुधवार को संध्या। आपका भाई जो है ट्रेन चढ़ने से पहले एक मीठी में चंद्रकला और ये समोसा लेकर ट्रेन में चढ़ा था, तो चलिए इसका टेस्ट किया जाए और मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसा है। चलिए टेस्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौतम और स्वागत करता हूं बिहार के समस्तीपुर डिवीजन के समस्तीपुर रेल जंक्शन से। और मैं फिर से पहुंच चुका हूं समस्तीपुर जंक्शन जो आपके भाई का बोर्डिंग पॉइंट है। तो चलिए आज की जर्नी जो है बहुत हमारी खास होने वाली है, क्योंकि आज की जर्नी जो है हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने बोला था कि भैया 152/34 दरभंगा कोलकाता एक्सप्रेस की जर्नी कीजिए और उसका ब्लॉग बनाइए। तो उसी के लिए आपका भाई जो है 152/34 दरभंगा कोलकाता एक्सप्रेस की जर्नी के लिए पहुंच चुका है। तो जल्दी जल्दी आप भी इस कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी टाइप करने लगे जो आपको कौन सी ट्रेन का ब्लॉग चाहिए और हमें लिखे, मैं कोशिश करूंगा जो मैं उस ट्रेन का ब्लॉग आपको दूं। तो चलिए आज की जर्नी हमारी जो है 152/34 दरभंगा कोलकाता एक्सप्रेस की होने वाली है और अपनी ट्रेन जो है 152/34 समस्तीपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 3 पे आ चुकी है। चूंकि आज कुछ बाजार में रश ज़्यादा था जिस वजह से अराइवल तो नहीं दिखा पाया आपका भाई, तो चलिए अंदर चलते हैं बॉगी में और आपको ट्रेन की जर्नी शुरू करते हैं। तो चलिए ट्रेन के अंदर चलते हैं। तो आज आपके भाई का कोच जो है S1 है, तो चलिए ट्रेन के अंदर चलते हैं और आपको ट्रेन का अंदर की दिखाते हैं, बॉगी को कंपार्टमेंट को दिखाते हैं और अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं ट्रेन के अंदर में और आपके भाई का जो है सीट को दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं ट्रेन के अंदर में और ये रही अपनी कोच 152/34 दरभंगा कोलकाता एक्सप्रेस। तो चलिए और ये रही आपकी भाई की 51 अपर बर्थ। तो चलिए ये रही कोच और जर्नी को चलिए पहले कंटिन्यू करते हैं और समस्तीपुर से इसका डिपार्चर दिखाते हैं इस ट्रेन का और फिर आपसे मिलते हैं। अगर 152/34 दरभंगा कोलकाता एक्सप्रेस की बात करूं तो ये ट्रेन जो है हफ्ते में दो दिन, यानी दरभंगा से हफ्ते में दो दिन हर रविवार को और बुधवार को संध्या के 3:47 में खुलती है और अगली सुबह जो है 3:10 में आपको जो ये कोलकाता टर्मिनल जो है आपको छोड़ देती है। और अगर इस ट्रेन की बात करूँ 152/34 की बात करूं तो ये ट्रेन जो है अपने 584 किलोमीटर की जर्नी को 10 हॉल्ट के साथ 11:23 में पूरी करती है और अपनी ट्रेन जो है 152/34 दरभंगा कोलकाता एक्सप्रेस जो है करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज स्पीड के साथ और मैक्सिमम 130 किलोमीटर की स्पीड के साथ जो है अपनी जर्नी को कंप्लीट करती है। तो चलिए ट्रेन की जर्नी को शुरू करते हैं और ये कुछ छोटी जानकारी थी 152/34 दरभंगा कोलकाता एक्सप्रेस के बारे में। और अब जो है अपनी ट्रेन का जो है लाइन क्लियर हो चुका है समस्तीपुर जंक्शन से और चलिए चलते हैं ट्रेन में और समस्तीपुर जंक्शन का डिपार्चर आपको दिखाते हैं। अपनी ट्रेन जो है करीब 10 रुकने के बाद समस्तीपुर जंक्शन से ऑन टाइम जो है ट्रेन खुल चुकी है और आप देख सकते हैं ये रहा समस्तीपुर जंक्शन। तो चलिए जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। वो दो रेलवे रूट की बात करें
रेलवे ट्रैक की बात करें तो वो रूट जो है भाया रोसरा हसनपुर के रास्ते, वो ट्रेन जो है खगड़िया के रास्ते सहरसा तक जाती है। तो समस्तीपुर का ये भी एक जंक्शन पॉइंट है जो आप यहाँ से रोसरा भाया रोसरा हसनपुर होते हुए सहरसा तक जाती है, वो रेलवे रूट जो आपको दिख रही है। आपका भाई जो है ट्रेन चढ़ने से पहले एक मीठी में चंद्रकला और ये समोसा लेकर ट्रेन में चढ़ा था, तो चलिए इसका टेस्ट किया जाए और मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसा है। चलिए टेस्ट करते हैं। समोसा खाया तो अब जो अपनी ट्रेन जो है 152 अपनी सेकंड डेस्टिनेशन यानी सेकंड हॉल्ट पे आने वाली है बरौनी जंक्शन। और इस ट्रेन की बात करूँ तो अभी तक ये दरभंगा से खुलने के बाद केवल एक ही स्टॉप जो है समस्तीपुर जंक्शन के बाद जो है अपनी ट्रेन अभी तक रुकी नहीं है। और अब जो है इस ट्रेन का सेकंड हॉल्ट यानी बरौनी जंक्शन आने वाला है इस ट्रेन का। तो चलिए तब तक आपको इस ट्रेन का इंटीरियर आपको दिखाते हैं और दिखाते हैं यहाँ का टॉयलेट किस तरह का है। तो चलिए चलते हैं आपको दिखाते हैं। तो ये रहा टॉयलेट कंपार्टमेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डस्टबिन है और फायर एग्जिट मशीन भी है और यहाँ देखिए एक बेसिन है। और तो चलिए बेसिन में है पानी और एक छोटा सा मीटर है। तो चलिए दिखाते हैं आपको यहाँ वॉशरूम का क्या हालत है। देख सकते हैं अभी तो जर्नी शुरू ही हुई है इस वजह से, और देख सकते हैं ये रहा ठीक ठाक है, अब स्लीपर हिसाब से तो ठीक ठाक ही है। और इसके अपनी ट्रेन का देखिए बरौनी जंक्शन पे कितना खूबसूरत मूव जो है, टर्न देखिए कितना सुंदर टर्न जो है, और ये देखिए पीछे का टर्न जो है देखिए, और ये देखिए गुमती रेलवे फाटक जो है बरौनी जंक्शन का आप देख सकते हैं। और अपनी ट्रेन जो है आप बरौनी जंक्शन पे प्रस्थान कर रही है और ये देख सकते हैं। अपनी ट्रेन जो है बरौनी जंक्शन पे लग रही है, आप देखिए वहां देखिए अहमदाबाद बरौनी स्पेशल ट्रेन जो है लगी हुई है, आप देख सकते हैं। अपनी ट्रेन जो है 152-34 दरभंगा कोलकाता एक्सप्रेस लगभग 88 किलोमीटर की जर्नी जो है कंप्लीट कर चुकी है। और ये जो है ये अपनी ट्रेन का जो सेकंड हॉल्ट जो है बरौनी जंक्शन पे आके रुकी है। और ये ट्रेन जो है 152-34 बरौनी जंक्शन पे अपने नियत समय बिल्कुल नियत समय पे ही आई है और इसका यहाँ का समय है 5:40 और ये ट्रेन जो है बिल्कुल ऑन टाइम ही पहुँची है। और अगर इस ट्रेन की बात करूँ 152-34 दरभंगा कोलकाता एक्सप्रेस की तो ये इसका सेकेंड हॉल्ट है। और अगर बरौनी जंक्शन की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे इस जंक्शन पे इस ट्रेन से कितने लोग जो है उतरे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ की
भीड़ से आपको पता लग ही चुका होगा। और अगर बरौनी जंक्शन की बात करो तो इसका स्टेशन कोड VJU है और इस ट्रेन का जो है यहाँ 152-34 का करीब 10 मिनट का हॉल्ट है और इसके बाद जो है अपनी ट्रेन जो है सीधे झाझा जंक्शन पर रुकेगी। और ये रही बरौनी जंक्शन, आप देख सकते हैं और यहाँ जो है अपनी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और यहाँ जो है आप देख सकते हैं यहाँ कितने लोग जो है उतरे हैं। देखिए जो है बरौनी जंक्शन पे मुजफ्फरपुर भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस जो है आ रही है प्लेटफॉर्म संख्या 8 पे और आप देख सकते हैं और अपनी ट्रेन जो है बरौनी के प्लेटफॉर्म संख्या 9 पे लगी हुई है। तो अपनी ट्रेन जो है बरौनी जंक्शन से खुल चुकी है, तो चलिए ट्रेन के अंदर चलते हैं और आपको बरौनी जंक्शन का डिपार्चर दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं, तो चलिए ट्रेन के अंदर चलते हैं और डिपार्चर दिखाते हैं बरौनी जंक्शन का। अपनी ट्रेन जो है केवल 10 मिनट रुकने के बाद जो है बरौनी जंक्शन से ऑन टाइम जो है खुल चुकी है बरौनी जंक्शन से। और अब जो इसका नेक्स्ट स्टॉप जो है झाझा जंक्शन पे है, तो चलिए इसका डिपार्चर दिखाते हैं और फिर आपसे जो है झाझा जंक्शन पे बात करते हैं। और ये रहा बरौनी जंक्शन और सामने देख सकते हैं भागलपुर मुजफ्फरपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस जो है बरौनी जंक्शन पे लगी हुई है और ये ट्रेन जो है भाई समस्तीपुर के रास्ते मुजफ्फरपुर तक जाएगी। और इस ट्रेन की अगर क्लीननेस की बात की जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही बढ़िया है, देख सकते हैं आप। अभी तुरंत ही यहाँ पे जो स्टाफ थे इनके, वो देखिए यहाँ पे सफाई करके गए हैं। और इस ट्रेन की अभी तक तो बहुत ही बढ़िया रेटिंग है सफाई के मामले में, देख सकते हैं जी। तो अब जो हम लोग जो है बेगूसराय के सिमरिया स्थित राजेंद्र सेतु पे आ चुके हैं और अपनी ट्रेन जो है अब जो है गंगा ब्रिज के ऊपर से जाएगी। आप इस भैया को देख सकते हैं, अब जो है इनके पास बिना देखे ही टाइम बताने का बहुत ही अच्छा टैलेंट है। तो हर किसी के पास गॉड जो है कुछ न कुछ स्पेशल फीचर के साथ ही भेजते हैं। हम है जन्म से ही प्लान है, हम बाद में जो बाद में होगा ना उसको कोई अनुभव नहीं। हमारा घर पड़ता है मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट धोली एग्रीकल्चर कृषि कॉलेज। भैया देख रहे हैं जो बता रहे हैं आप देख ही सकते हैं, जो ये जनजात ही ब्लाइंड है बट ये गॉड गिफ्टेड है, इसमें तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता है। और लेकिन इनके पास कुछ जो इनबिल्ट टैलेंट है ऐसे लोगों के लिए हैट्स ऑफ। तो चलिए मिलते हैं किसी और व्यक्ति से, आपको दिखाएंगे।